हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है कल्चरल डिफरेंसेस। देखो, हम कहीं भी जाएंगे, ठीक है, कल्चरल डिफरेंस तो होगा ही होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह क्या मिलेंगे, आपके ही कल्चर के लोग मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कल्चरल डिफरेंसेस को समझना, और आप उससे कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हो, ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने भी कहा है कि ऑल पीपल आर इनिशियली प्रोग्राम टू थिंक लॉजिकली, ठीक है। हम क्या करते हैं कि अपने चीज़ों को लॉजिकली सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। पर अगर वो इन चीज़ों को एलिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, खुद को ये नहीं समझेंगे कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे कल्चर में तो ऐसा नहीं होता, तुम्हारे कल्चर में ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इन सबको अगर आप एलिमिनेट नहीं करोगे, ये सब चीज़ें नहीं सोचो, मतलब कि अलग करना नहीं शुरू करोगे, तो आप कभी भी कल्चरल डिफरेंसेस को समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। हमेशा आप उससे अपोजिट ही रिएक्ट करोगे, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के हिसाब से ठीक नहीं होगा, और आपके लिए भी एज ए इंडिविजुअल भी और एज ए आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, ठीक है। तो जो भी हम अगर जो इसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, आप अपनी सोसाइटी में रहते हो, तो कल्चर ही सिखाता है कि आप आपका कैसा बिहेवियर रहेगा, ठीक है, आप कैसा इन्वायरमेंट में रहें, वो सब आपके उस पर डिपेंड करता है, सोशलाइजेशन जो आपकी सोसाइटी है उस पर, ठीक है। कल्चर ही आपको सिखाता है कि कैसे आप सर्वाइव कर सकते हो किसी और अलग कल्चर में या फिर इन्वायरमेंट में या कुछ और भी, ठीक है। दिस इज़ फॉर बोथ द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल, और ये ज़रूरी भी है किसी एक इंडिविजुअल खुद के लिए भी और उस पर्सन के ग्रुप के लिए भी, पीपल ग्रुप के लिए भी, ठीक है। अगर आप अपनी सोसाइटी के कल्चर नहीं समझ पाओगे, ठीक है, तो आप दूसरों की कैसे समझोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अगर कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं तो कैसे रिएक्ट करोगे आप, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, फर्स्ट पॉइंट आता है कीप एन ओपन माइंड। द एबिलिटी टू कीप ओपिनियन फ्लेक्सिबल एंड रिसेप्टिव टू ए न्यू स्टिमुली इज इंपॉर्टेंट टू इंटर कल्चरल एडजस्टमेंट। इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल डू अ पर्टिकुलर थिंग, बी केयरफुल नॉट टू जंप टू कंक्लूजन, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि देखो, जो आपकी आपको ओपिनियन है वो फ्लेक्सिबल रखना है, रिसेप्टिव रखना है न्यू स्टिमुली पे, ठीक है। तो आपकी क्या होगी, न्यू स्टिमुली मतलब कुछ भी नया होता है, ठीक है, आपको ओपन माइंड रखना है। मतलब मैंने जैसे आपको कल्चर वाला डिफरेंस बताया कि ऐसे नहीं कि यार ये इसकी कल्चर में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ऐसे, ये तो ऐसे करता होगा, मतलब अगर वो नॉनवेज खाता है तो आप कंक्लूजन पे पहुंच गए कि यार ये तो सही नहीं है, ये तो नॉनवेज खाता है या कुछ भी, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, वो उसका कल्चर है, ठीक है। तो आपको एक ओपन माइंड रखना है। नेक्स्ट, लर्न टू कोप विद फेलियर, ठीक है। लर्निंग टू टॉलरेट फेलियर इज क्रिटिकल बिकॉज everyone fails at something overseas, ठीक है। कि आपको ये समझना चाहिए कि फेलियर पार्ट है लाइफ का, उसको टॉलरेट करना सीखो। अगर कल्चर की वजह से या कुछ भी है तो आप ये नहीं कर सकते कि, क्योंकि हर कोई फेल होता ही है किसी चीज़ में, ठीक है। बी फ्लेक्सीबल, ठीक है। आप जो द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू टॉलरेट द एम्बिक्यूटी ऑफ न्यू सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटर कल्चरल सक्सेस। कीपिंग ऑप्शंस ओपन एंड जजमेंटल बिहेवियर टू अ मिनिमम हेल्प्स यू अडेप्ट वेल। देखो, बी फ्लेक्सीबल क्या कहा है, सपोज कि कल आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो इस कल्चर को फॉलो करते हैं तो वो इस बंदे के पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, नहीं। अगर मान लो किसी का कल्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से मैच करता है, तो आप ये मत सोचो कि आपका तो मैच नहीं करता, ऐसे कैसे हो सकता है उसका मैच कर रहा है, तो ऐसे नहीं, आपको फ्लेक्सीबल होना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे आप, तभी आप अपने इंटरकल्चरल सक्सेस में सक्सीड कर पाएंगे, ठीक है। आप अपने ऑप्शंस को ओपन रखें कि आप भी बताएं कि हाँ हमारे कल्चर में ऐसा होता है, हम ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो अपना जजमेंटल बिहेवियर मिनिमम रखें, आप जज मत करें किसी को उसके कल्चर के बेस पे, ठीक है, उसकी ड्रेसिंग सेंस के। अगर उसका कल्चर है, ठीक है, अगर उसकी ड्रेसिंग सेंस है क्योंकि उसके कल्चर में ऐसा है, ठीक है, तो आप उसको ऐसे बिहेव मत करें कि वो ऐसे बोल रहा है या फिर वो ऐसे पहन रहा है या फिर कुछ ऐसे, नहीं, आपको फ्लेक्सिबल रहना है, ठीक है। उसके बाद आता है मेंटेन ए हेल्दी क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इज अ डेमोंस्ट्रेटेड डिजायर टू नो अबाउट अदर पीपल, मतलब हमेशा एक हेल्दी सिटी रखो कि अच्छा उस कल्चर में ऐसा होता है, अच्छा तुम्हारे यहाँ पे ऐसा होता है, अच्छा तुम ये सब करते हो, ये तो बड़ा अच्छा है, मतलब हमेशा पॉजिटिविटी या फिर हेल्दी क्यूरियोसिटी रखो उस चीज़ के। ऐसे नहीं कि अच्छा ये कर, तुम्हारे में तो ये होता है, तुम्हारे में ऐसे होता है, मतलब तुम्हें ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्यूरियोसिटी इज़ द डेमोंस्ट्रेटेड डिज़ायर टू नो अबाउट अदर पीपल, मतलब कि आप जो दूसरे कल्चर के हैं, ये हमेशा क्यूरियोसिटी रहते हैं कि आप अपने, मतलब दूसरे लोगों के बारे में, प्लेसेस के और आइडियाज़ के बारे में क्या इच्छा है आपको कुछ जानने की, ठीक है। तो दिस पर्सनैलिटी ट्रेट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर, और ये पर्सनैलिटी ट्रेट आप में ज़रूर होना चाहिए अगर आप इंटर कल्चरल ट्रैवलर हैं, बिकॉज दे नीड टू लर्न मैनी थिंग्स इन ऑर्डर टू अडेप्ट देयर न्यू एनवायरनमेंट, क्योंकि आप एक नए एनवायरनमेंट में, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करें, ठीक है।
होल्ड पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. स्ट्रॉन्ग कॉरिलेशन होता है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस में फॉर एन इंटरकल्चरल एक्सपीरियंस एंड सक्सेसफुल एडजस्टमेंट ओवरसीज. बींग रियलिस्टिक इन वट टू एक्सपेक्ट विल हेल्प यू फील प्रिपेयर फॉर एनी सिचुएशन. ठीक है, आप हमेशा क्या रहे, रियलिस्टिक रहे. मतलब ये एक्सपेक्ट मत करके चलें कि हाँ मेरे कल्चर में तो ऐसा होता था तो ऐसा ही होगा. मतलब ऐसे नहीं, आपको रियल लाइफ की उससे चलना है कि नहीं यार यहाँ का कल्चर डिफरेंट है तो यहाँ पर कुछ अलग भी हो सकता है. तो आप उसके लिए अगर आप रियलिस्टिक रहेंगे तो आप किसी भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहेंगे. ठीक है, बी टॉलरेंट ऑफ डिफरेंसेज. A sympathetic understanding of beliefs or practices different from your own is key to successful intercultural adjustment. मतलब कि आपको ना हमेशा इसे एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है दूसरों के बिलीव्स और प्रैक्टिसेस की भी. ठीक है, चाहे वो मतलब वो आपसे अलग हैं. ठीक है, उनका कुछ भी बिलीफ रहा है, उनका वो उनका कल्चर है ना, आपका भी तो अपना कल्चर है. अगर दूसरे आपके बारे में सोचे तो आपको कैसा लगेगा. तो आपको क्या करना है, जो डिफरेंसेज हैं उनसे उनके लिए टॉलरेंट रहना है. मतलब कि आपको वो समझना है, ठीक, उनके ऊपर ये नहीं करना, जजमेंट पास नहीं करनी है. ठीक है, रिगार्ड अदर पॉजिटिवली. अगर आप दूसरों की तरफ, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वार्मथ, एम्पैथी, रिस्पेक्ट एंड पॉजिटिव रिगार्ड फॉर अदर पर्सन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कल्चरल रिलेशन, इंटरकल्चरल रिलेशन. ट्राई टू थिंक ऑफ एजेस यू रियली इंजॉय और लाइक अबाउट देयर कल्चर एंड एम्ब्रेस डिफरेंसेस. ठीक है, मतलब आप उनको पॉजिटिवली कहो कि यार ये आपके कल्चर में बहुत अच्छा है. ठीक है, हमने बहुत इन्जॉय किया था, हाँ मैंने भी ये सब किया है. और अपन बताओ कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है, ऐसे होता है. तो आप उनको अगर पॉजिटिवली रिकॉर्ड करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे कल्चरल डिफरेंसेस को. ठीक है, बी गुड गेस्ट. एज ए गेस्ट इन समवन होम्स यू वुड नेवर रिमार्क अबाउट द डर्टी किचन एंड टेरिबल फूड और क्रेजी सीटिंग अरेंजमेंट. एज ए ट्रैवलर यू आर इन ब्रॉड सेंस गोइंग इन टू समवन्स होम, शो रिस्पेक्ट. मतलब देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल क्या समझाया, बी गुड गेस्ट का क्या मतलब है. मान लो कि आप किसी के घर गए हो तो आप वहाँ पर ये नहीं कहोगे ना यार तुम्हारे तो बड़ा गंदा किचन है, तुम्हारे तो बड़ा गंदा फूड, मतलब गंदा खाना बना है, या फिर तुम्हारे यहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो मुझे अच्छा नहीं लगा. मतलब आपको अपना ब्रॉड सेंस रखना है कि अगर किसी के घर जा रहे हो, जैसे ट्रैवलर है, ठीक है, वो कहीं जाता है तो मतलब क्या करता है, रिस्पेक्ट दिखाता है. ठीक है, मतलब आपको वैसे ही करना है. अगर आप किसी के कल्चर पे हो तो ये मत कहो कि यार तुम्हारे कल्चर में नॉनवेज खाते हैं, तुम्हारे कल्चर में ऐसा करते हैं, तुम्हारे कल्चर में ये कपड़े पहनते हैं, तो तुम्हें वो नहीं करना है. ठीक है, बी गुड गेस्ट. हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर. एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन अनदर कल्चर सो मैनी थिंग्स कैन लीड टू इंटेंस इमोशन. ठीक है, ये मतलब आप अगर किसी चीज, डिपेंड करता है कि आप कैसे कह रहे हो. ठीक है, टोन का बहुत फ़र्क होता है. तो हमेशा एक सेंस ऑफ ह्यूमर रखो, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि आपने बहुत कैजुअली बोली है पर वो किसी के इमोशंस पे असर कर सकते हैं अगर वो किसी और कल्चर का है. ठीक है, सैडनेस, एंगर, अनॉयंस, एम्बेरसमेंट, डिस्करेजमेंट, ये सब कॉमन है. ठीक है, तो एबिलिटी टू लाफ इन स्पाइट ऑफ सर्कमस्टांसिस विल हेल्प गार्ड अगेंस्ट डिसअपीयर. ठीक है, तो अगर आप हमेशा एक सेंस ऑफ ह्यूमर रखोगे अपने अंदर कि चल यार उसने बोल दिया तो कोई नहीं, तू ऐसे कर रही, या फिर मतलब किसी और को भी कोई अलग कल्चर का है, वो आपकी कम्युनिटी से अलग है, मतलब आप लोग पांच लोग हो, वो एक अकेला है, तो हमेशा ऐसे नहीं है कि उसको हमेशा ये फील कराओ. तो हमेशा क्या रखो, सेंस ऑफ ह्यूमर रखो. ठीक है, हैव फन. लास्ट वन इज हैव फन. इट्स ओके टू एक्नॉलेज कल्चर. मतलब बहुत अच्छा है कि आप अगर कल्चरल डिफरेंसेस को उनको सीरियसली नहीं लो. और डोंट होल्ड आई एम राइट यू आर रॉन्ग. मतलब ऐसे एटीट्यूड मत रखो कि यार मैं ही ठीक हूँ, तुम तो गलत हो, तुम्हारे में ऐसा होता है तो ये गलत है. ठीक है, ऐसे नहीं करना है. नेक्स्ट आते हैं मेज़र और ग्राफ कल्चरल डिफरेंसेस, कि आप कैसे उसको मेज़र कर सकते हो. अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, कुछ सेवरल कल्चरल डिफरेंसेस हैं जो हम फेस करते हैं कि इंटरनेशनल नेगोशिएशन में, और हम मोस्ट मतलब आपकी उसमें आप लिख सकते हो जो आपके एग्जाम है कि क्या फैक्टर्स हैं. फर्स्ट आता है कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. देखो डिफरेंसेस क्या होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में, वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से आ सकते हैं जब आप बोलते हो. ठीक है, और ये चाहे आप सेम लैंग्वेज भी शेयर करते हो पर फिर भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो डिफरेंट मीनिंग होते हैं. ठीक है, आपके यहाँ किसी चीज़ को अलग बोला जाता है, मेरे यहाँ किसी चीज़ को अलग बोला जाता है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी सीखो. जैसे अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स का, या फिर कुछ और भी. ठीक है, मतलब बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ पे स्टॉप कर जाओ, तो वो ऐसी किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. मतलब सिंबल से आप समझ जाते हो कि हाँ अब हमें ये करना है, और हर कोई समझ जाएगा चाहे वो किसी भी कल्चर का हो. ठीक है, नेक्स्ट आता है कल्चर. हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि जो कल्चर है वो आपका बिहेवियर शेप करता है. तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कल्चर के बीच में डिफरेंस समझो. ठीक है, आपकी क्या वीकनेस है, आप क्या अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ ले सकते हो, दूसरे के कल्चर में क्या अच्छा है जो आप अडेप्ट कर सकते हो और आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो. ठीक है, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म. इट रेफर्स टू डिग्री टू विच इंडिविजुअल्स आर इंटीग्रेटेड. मतलब फर्स्ट वन रेफर करता है टू द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर देमसेल्फ एंड देयर इमीडिएट फैमिलीज ओनली एंड टू नेग्लेक्ट द नीड ऑफ सोसाइटी, एंड द सेकेंड वन इज अपोजिट. मतलब कि कैसे
जो फर्स्ट वन है कि इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है कि वो लोग खुद को देखते हैं और अपनी मतलब फैमिलीज को देखते हैं और बाकी सोसाइटी की नीड को नेगलेक्ट कर देते हैं, बट सेकंड वन क्या है, अपोजिट है, जो कलेक्टिव होके चलता है. तो सो इन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर लॉयल्टी अमंग इंडिविजुअल इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग इन कलेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल जैपनीज आर कलेक्टिव एंड अमेरिकन आर इंडिविजुअलिस्टिक. ठीक है, जैसे कि देखो अगर आप अपने उस पर रहोगे कि आप सोसाइटी की केयर ही नहीं करोगे, सिर्फ अपना सोचोगे और अपनी फैमिली का सोचोगे, तो ये ऑब्वियसली मतलब लॉयल्टी कम हो गई ना. ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव में तो क्या होंगे, वो सब सबको कलेक्ट करके चलेंगे कि सोसाइटी, वो वाली सोसाइटी क्या सोच रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ें. ठीक है, नेक्स्ट हम जो करेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कल्चर डिफरेंसेस को, आप इसमें सिर्फ पॉइंट कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन, कल्चर, इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म. उसके बाद आता है मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी. फेमिनिटी इसमें क्या रेफर करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स क्या है जेंडर का. ठीक है, मतलब आप हमेशा ये कंसिडर ना करें कि सिर्फ मैन मतलब सिर्फ आदमी ही ऐसे कर सकता है या फिर औरत ऐसे नहीं कर सकती. आप ये समझे कि आपको सोसाइटी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से ये करना चाहिए. ठीक है, मतलब मैन और वुमेन दोनों इक्वल हैं और दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब अपनी अपनी मेंटेन करने के लिए लाइफ क्वालिटी. ठीक है, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, मतलब कि आपको उस एक्सटेंट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच पीपल इन सोसाइटी फील थ्रेटन्ड बाय एम्बिगुअस सिचुएशन. मतलब कि आपको ऐसे उसमें कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें जो सोसाइटी है वो थोड़ा ऐसे डरा डरा सा फील करे एम्बिगुअस सिचुएशन में कुछ. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस आर जापानीज, क्योंकि यहाँ पे लॉज क्या हैं, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं विद फॉर्मल लॉज रूल्स. ठीक है, और लो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है ग्रेट ब्रिटेन में, मतलब यहाँ पे प्रोटेस्ट टॉलरेट कर सकते हैं, मैनेजर ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं. आगे आता है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, द एक्सटेंट टू विच कल्चर प्रोग्राम इज इट्स मेंबर्स टू एक्सेप्ट डिलेड ग्रेटिफिकेशन और देयर मटेरियल सोशल एंड इमोशनल. मतलब कि किस हद तक कोई भी वो आपकी उस सोसाइटी की इमोशनल नीड्स को समझ सकता है कुछ और ऐसे है. ठीक है, और शॉर्ट टर्म कल्चर मतलब कि जो थोड़े पास्ट और प्रेजेंट की उसके लिए समझ सकता है. तो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये समझते हो कि आप उसको कल्चर डिफरेंसेस को किस बिहाफ पे मेजर कर सकते हो, तो यही सब इसमें आता है. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनली कैसे आप कर सकते हो. ये पढ़ सकते हो कि कल्चर विद बिजनेस, मैं एक बार थोड़ा करा देती हूँ थोड़ी, क्योंकि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, एमबीए से रिलेटेड है. ज़्यादा नहीं कराऊंगी, सिर्फ ओवरव्यू बताऊंगी कि इसका क्या है. देखो कल्चर विद बिजनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीईओ जो एचआर हैं वो इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि अब जो पीपल का बिहेवियर है, इनोवेशन है और कस्टमर की सर्विस है, आप अगर कल्चर को अच्छे से समझते हो तो ये और इन्हेंस कर सकते हो. ठीक है, कि आप मतलब वो अलग अलग तरीके अपना सकते हैं कि आप उनको कैसे करना है. कुछ ऐसा पॉलिसी रखें जो सभी कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो, मतलब कि सबके लिए सुटेबल भी रहे, सर्वाइव भी कर सके और उनका उनको इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिले कि वो वहाँ पे मतलब काम करना चाहें. तो ये सब इस वजह से इंपॉर्टेंट है कल्चर किसी भी बिजनेस में. ठीक है, उसके बाद आता है वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग कल्चर डिफरेंसेस गोइंग इंटरनेशनल, कि अगर आपकी आप अपने मार्केट को इंटरनेशनल लेके जाते हो, अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते हो ग्लोबली, तो क्या क्या मेजर इश्यूज आते हैं, मतलब क्या कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है. फर्स्ट आता है ऑब्वियसली कम्युनिकेशन. ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. ठीक है, पर पर्टिकुलरली क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को उसमें माना जाता है, ज़्यादा सही माना जाता है, बट ये नहीं है कि सिर्फ मतलब आप कन्वे करने के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, पर बट मोर देन जस्ट द लैंग्वेज यू स्पीक, इट्स हाउ यू कन्वे योर मैसेज. मतलब अच्छा है कि आप बोलते हो इंग्लिश, आप लिख सकते हो, पर आप कैसे कन्वे कर रहे हो मैसेज इस पर भी बहुत डिपेंड करता है. ठीक है, तो कुछ भी हो आप, ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी कल्चर, मतलब अगर आप क्रॉस मतलब बॉर्डर जा रहे हैं, आप अपने ग्लोबल एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आप पहले वहाँ के कल्चर को समझें कि क्या सा कल्चर है वहाँ पे. ये तो नहीं है मतलब जैसे कि कहीं कॉमन होता है कि कुछ देशों में कि वो लोग गले मिल के भी किसी डील को फाइनल कर लेते हैं, कुछ भी मतलब ऐसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, पर मतलब डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट करते हैं या कुछ भी, पर कुछ जगह ये अनयूजल भी हो सकता है. तो आप पहले वहाँ के कल्चर को पढ़े कि वहाँ क्या कल्चर अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद वर्क प्लेस एटिकेट, डिफरेंट अप्रोचेज हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में, मतलब सबका अपना अपना अलग एटिकेट्स हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है. ठीक है, जैसे कुछ इन्होंने दिया हुआ है कि जो एशियन कंट्री है जैसे साउथ कोरिया, चाइना, सिंगापुर, वो मिस और मिसेज लगाते हैं सरनेम. ठीक है, और साथ में सरनेम, जबकि अमेरिकन्स और कैनेडियंस हैं वो आपका फर्स्ट नेम यूज़ करते हैं, मतलब वहाँ का बताया गया है. तो आप वहाँ के वर्क प्लेस एटिकेट को भी समझें जाने से पहले. ठीक है, फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की और एटीट्यूड्स टू आर मैनेजमेंट रोल्स कैन ऑल्सो बी वाइडली
वेरी वाइडली बिटवीन कल्चर्स, वेदर नॉट दोज, मतलब कि आप वहाँ पे अगर आप किसी मिडल मैनेजमेंट पर्सन से मिल रहे हैं या फिर कोई जूनियर से मिल रहे हैं तो वो कैसे काम करता है, तो वो सब मतलब कि कई जगह क्या होता है कि वहाँ पे कुछ जगह ऐसा होता ही नहीं है कि कुछ कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, कोई ऐसे है, तो मतलब सब एक जैसे हैं। और कई जगह होता है कि नहीं, आप तो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक मिडल लेवल मैनेजमेंट, एक जूनियर लेवल मैनेजमेंट है, तो आप उनको सबको समझना है। तो कल्चरल डिफरेंसेस में आप वो सब पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल के उसमें अगर आपकी जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा मार्क्स का पूछा गया है तो आप ये इंटरनेशनल वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं यूनिट फर्स्ट की एक और वीडियो डाल चुकी हूँ, नोट्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे जो ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं कराऊँ, एक बात और, ये सिर्फ आपको पेपर में हेल्प करने वाला है बहुत अच्छे से, आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं अपने। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।